Hello friends, this is me Suhani Singh from the channel Shalja Singh. Today I am going to teach you about seasons. There are three main seasons. So, आज की वीडियो में मैं आपको सीजन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और पहला सीजन हमारा होगा विंटर, दूसरा रेनी, तीसरा समर. सबसे पहले मैं आपको समर पढ़ाऊंगी. ये सब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं. यूजिंग स्केल मैंने इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. पहले में हम बनाएंगे रेनी, दूसरा समर, तीसरा विंटर. ऐसे ही बनाएंगे. रेनी में हम बनाएंगे रेनकोट, समर में फ्रॉक और हैट, विंटर में वूलन क्लोथ्स. तो सबसे पहले मैं समर का बनाने जा रही हूँ यहाँ पर. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं फ्रॉक बनाऊंगी. तो फ्रॉक के लिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा चाहिए होगा. क्या चाहिए होगा? पेंसिल चाहिए होगा. शुरू कर दें. ये फ्रॉक मैं बनाने जा रही हूँ. यहाँ लाके थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको. एज अ फ्रॉक हम इसे शेप देंगे. अब हमने इसे शेप भी दे दिया है. यहाँ पे ऐसा एक सर्कल बना देंगे जो थोड़ा सा खूबसूरत लगे. उसके बाद हैट के लिए ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे तक ले जाएंगे. इसे नीचे तक ले गए. अब हम अब इसे पीछे से ऐसे गोल चलाएंगे ऐसे. अब ये हमारी थोड़ी थोड़ी कैप अप भी है. अब इसे हम ऐसे 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 दो तीन बार कर देंगे जैसे थोड़ा सा सुंदर लगे, मतलब कि देखने में भी अच्छा लगे. और अब हम इसे मैं ऐसे कर देंगे जैसे ये ठीक लगे. अब हमारी कैप भी कंप्लीट है और जैसा कि फ्रॉक था वैसा फ्रॉक भी कंप्लीट है. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समर देवी के साथ के. तो समर अब हमारा ड्रॉ तो हो चुका है, अब कलर करना बाकी है. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं तो पिंक और रेड कलर यूज़ करूँगी इस फ्रॉक के लिए. तो अब देरी किस बात की, मैं जा रही हूँ करने, आप भी करिए. मैंने ऊपर का रेड कलर कर दिया, अब नीचे करूँगी पिंक. अब मैंने इसे पिंक कलर भी कर दिया. अब मैं इसे हैट करने जा रही हूँ. हैट भी मेरी थोड़ी सी कलर हो गई है. अब बीच की जो लाइन बची है फ्रॉक में उसे मैं कलर करने जा रही हूँ. ये लाइन भी मेरी हो गई, अब जा रही हूँ हैट को करने. मेरा समर का पूरा कंप्लीट हो चुका है. मैंने अपनी फ्रॉक बना ली, समर लिख दिया. अब सिर्फ मुझे इसका समझाना बाकी है. तो मैं जैसे ही जैसे ड्राइंग करूँगी वैसे वैसे समझाती जाऊँगी. तो मैं आपको समर के बारे में अब समझाने जा रही हूँ. समर मतलब गर्मी, गर्मी मतलब आइसक्रीम. एक तरफ से गर्मी में आइसक्रीम ही तो खाते हैं तो आइसक्रीम ही बोलेंगे. समर गर्मी का मौसम होता है जिसमें हम लोग को बहुत ही पसीना आता है और वो बहुत ही गर्म गर्म मौसम रहता है. धूप बहुत तेज़ रहती है समर में. हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, पसीना आता है. ये सब एग्जाम्पल्स हैं समर के. तो अब एक समर बहुत ही ईजी एक तरफ का टॉपिक था. अब हम लोग जा रहे हैं विंटर बनाने. तो विंटर की बात करते हैं. विंटर भी बहुत ही अच्छा मौसम है. उसमें हम लोग भारी भारी कपड़े पहनते हैं, उसमें हम लोग को ठंडी लगती है. मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया. तो अब ड्राइंग बाकी है, करते हैं. ये इस तरह बना रहे हैं. इस तरफ की आप इधर भी स्लीव बनाएंगे. ऐसे बन गया है हमारा. अब हम इसमें ऐसे करेंगे कि जैसे लगेगा थोड़ा सा विंटर का है. इस तरह से इसी तरह करेंगे, ऊपर भी इसी तरह करेंगे और नीचे भी इसी तरह करेंगे. तो मैं करने जा रही हूँ, आप अगर मेरे साथ कर रहे हो तो करिए. ये देखिए आपने ऐसे किया, बीच का थोड़ा सा हम लोग रफ करेंगे जिसके वजह से वो बीच में लाइन बन जाएगी. अब इसमें ट्राइंगल शेप में ऐसे करेंगे जिसके वजह से लाइन में बीच में जैसे यहाँ पे आए वैसे यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचेंगे. मैंने लाइन खींच दी है, ऐसे लाइन खींची, यहाँ पे ऐसे कर दिया. और बीच बीच में बड़े बड़े से दो तीन टू बटन लगा देंगे. ग्लव्स बनाने जा रही हूँ. ग्लव्स बनाना बहुत ही आसान होता है. ऐसे बस ऐसे करिए और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए. हमारा ग्लव्स तैयार. अब इसमें हम लोग बीच में फ्लावर बना देंगे. इस साइड भी ऐसे ही प्रोसेस करेंगे. अभी हमारा कॉर्नर में थोड़ा सा सिंपल लग रहा है तो हम इसमें बीच में थोड़ी सी एक लाइन खींचेंगे जैसे कि अभी मैं आपको खींच के बता रही हूँ. अब हमने इसमें बटन बना दिया. हमने अभी लाइन नहीं खींची है इसमें.
पर अब हम लाइन खींच के उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ड्राइंग और लाइन दोनों खिंच गई है। अब खाली विंटर लिखना बाकी है और कलरिंग करना बाकी है, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। मैं इस फ्रॉक को इन दोनों कलर के यूज़ से कलर करने वाली हूँ। इनके ग्लव इनके इसके ग्लव को मैं इस कलर से करूँगी, और ये जो हल्का सा सिंपल सा एरिया है इसको मैं इस कलर से कलर करने वाली हूँ। तो मैं करती हूँ, आप अगर कर रहे हो तो करिए। यूजिंग दिस कलर हम इसकी बटन्स को कलर करेंगे, और ये किनारे जो हम लोग ने इस तरह का बनाया इसे हम लोग नहीं कलर करेंगे, क्योंकि ये जो होता है ये कॉटन से बना होता है और इसमें ये वाइट ही रहता है। आप हर जगह बहुत ही जगह देखिए तो ये वाइट ही रहेगा नॉर्मली, तो हम लोग इसे वाइट ही रखेंगे। और यहाँ पे जो एरिया है इसे हम लोग ये इस कलर से करने वाले हैं, ग्रीन लाइट ग्रीन से करने वाले हैं। बटन को हम लोग डार्क ग्रीन से करने वाले हैं और बाकी फुल एरिया हम लोग इसी कलर से करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब हमारा देख सकते हैं पूरा बन चुका है। अब हम जा रहे हैं बनाने रेनी सीज़न। रेनी सीज़न जो है वो बहुत ही ठंड, मतलब उसमें बरसात बहुत होती है, और बरसात के साथ साथ आंधी तूफान ये सब भी आता ही रहता है। और बरसात में हम लोग को रेनकोट पहनना पड़ता है, अम्ब्रेला लेना पड़ता है, ये सब लेना पड़ता है। तो चलिए ड्राइंग करते हैं हम, बेफालतू की बात उससे अच्छा है। ये सब तो आता ही होगा आपको, नहीं भी आता होगा कोई बात नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया कि बरसात में हम लोग रेनकोट अम्ब्रेला ये सब और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें पहन सकते हैं। बरसात में बहुत ही बारिश होती है।